नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सोलंकी, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको डिसीज़ यानी कि बीमारी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर जानकारी दूंगा। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन के दौरान कुछ न कुछ बीमारियां होती है, और वो बीमारियां क्यों होती हैं, उसके क्या रीज़न्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको वैज्ञानिक पद्धति से समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये वीडियो आपको अंत तक देखना अवश्य पड़ेगा, तभी आपको मेरा ये जो पूरा ज्ञान है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी 3 to 17 हर्ट्ज है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो व्यक्ति के मूड के अनुसार वो अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। उसी प्रकार अर्थ की भी फ्रीक्वेंसी 7.8 हर्ट्ज से लेके आज के समय में वो फ्रीक्वेंसी 27.4 हर्ट्ज है। कई बार आप जैसे कि फियर, टेंशन, फोबिया, एंगर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह जैसे नेगेटिव इमोशंस से घिरे हुए होते हो, तो ये सब इमोशंस के फ्रीक्वेंसी लेस देन 3 हर्ट्ज है। तो जब आपके ऊपर ये सभी इमोशंस हावी हो जाते हैं, तब आपकी बॉडी की ओरा यानी कि फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। उसका मतलब है ओरा वीक हो जाना। ओरा वीक हो जाने का मतलब है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो कम हो जाती है, घट जाती है। कई बार आप हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या स्मशान गृह ऐसी जगह पे भी जाते हो, या जहाँ पे ज़्यादा नॉइज है, तो ये सब जगह पे भी व्यक्ति की ओरा श्रिंक हो जाती है। तो और वहाँ पे भी आपको ऐसे नेगेटिव वायरसेस के आपके ऊपर अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी आपको करना क्या चाहिए? तो जो भी नेचर ने जो चीज़ बताई है, कुदरत के जो रूल हैं एक अच्छे इंसान होने के, जैसे कि आप ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हो, कंपैशन, इंटीग्रिटी, लव, जॉय, इनर पीस, एक्सेप्टेंस, करेज, ये सब इमोशंस आप अपने अंदर रखते हो, सबको मदद करने की भावना, एकदम इनोसेंट पीपल की तरह आप रहते हो, तो ये सब जो भी अच्छे इमोशंस है वो आपकी बॉडी की ओरा को मोर देन 300 हर्ट्ज बढ़ाएंगे। और यही फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो आपके जो 7 चक्रस है, रूट से लेके क्राउन तक, जैसे कि रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी 396 हर्ट्ज है, उसी तरह बढ़ते बढ़ते क्राउन तक मोर देन 900 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो मेरा आपको शॉर्ट में यही कहना है कि आप कुदरत से जुड़े रहोगे, आप आपके अंदर जो भी एनर्जी है उसको आप अच्छी तरह उसके ऊपर फोकस करोगे, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसके ऊपर आप फोकस करोगे, आपके अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस है आप उसको रिलीज करोगे, आप रेगुलरली मेडिटेशन, प्राणायाम या ऐसे योगासन करोगे, तो ये सब चीज़ करने से आपकी बॉडी की ओरा स्ट्रांग रहेगी, आपके 7 चक्रस भी स्ट्रांग होंगे, और आपके ऊपर किसी भी प्रकार के डिसीज़ का अटैक नहीं होगा। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, आप ये पैटर्न को अपनाओगे तो आप अपने नॉर्मल प्रिकॉशन लेने के साथ साथ ये महामारी से भी आप बच सकते हो। दोस्तों, इसके अनुसार आप अगर अरोमा ऑयल्स रेगुलरली, अरोमा ऑयल्स जैसे कि आप अपना फ़ोटो या अपनी बर्थ डिटेल्स या अपनी मेडिकल हिस्ट्री सर्च आप मुझे सेंड करोगे, तो आपकी स्टडी करने के बाद मैं स्पेशली आपके लिए अरोमा ऑयल्स बनाऊंगा। जो ऑयल आप अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करोगे, उसकी अरोमा लोगे, तभी आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है। और ये सब परिस्थिति आपको जो भी अभी डिसीज़ हो
है आपकी बॉडी में, जैसे डायबिटीज, थायराइड, ये ऐसे कोई भी प्रकार के जिनकी मेडिसिन आप रेगुलरली ले रहे हो, तो अगर आप अपने ट्रू इंडियन साइंस को एक्सेप्ट करोगे, ये फ्रीक्वेंसी का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अपनी बॉडी की ओरा इंक्रीज करने का जो कॉन्सेप्ट समझाया, उसके ऊपर आप फोकस करोगे, अपने आप को चेंज करोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो किसी भी प्रकार की महामारी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इस संबंधी कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर 9925032690 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।